नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में एक बस खड़े ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें 3 यात्रियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 22 यात्री घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि एसी स्लीपर बस वाराणसी से इंदौर जा रही थी, जो मंगलवार के तड़के गढ़ाकोटा के चनुआ के पास खड़े ट्रॉले में जा भिड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद बस के गेट को कटर से काट कर घायलों को बाहर निकाला गया। थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि जनता और पुलिस के प्रयासों से बस में फंसे घायलों को निकाला गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। रात में करीब 3:30 बजे के लगभग के आसपास की बात है। 3:30 घटना करीब 3 से 3:30 के बीच में है। थाने पे था, खबर मिली एक्सीडेंट हो गया रात्रिग्रस्त वाहन। मौके पे पहुंचा तो बस एक ट्राला में घुस गई थी, जो रोड पे खड़ा हुआ था खराब होने के कारण। मौके पे पहुंचकर बस की स्थिति अत्यंत कठिन थी। बस को न पीछे किया जा सकता था, न आगे किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में जनता के सहयोग से वो पुलिस ने मिलके और उसको बस को जेसीबी की मदद से पीछे से दरवाज़ा तोड़ के घायलों को निकाला, कुछ को साइड से निकाला। पुलिस के प्रयासों से काफ़ी प्रयास किए गए और जनता के भी प्रयास हुए उसमें, जिसमें करीब 22 के लगभग घायल होना पता चला है और 3 लोगों की मृत्यु हो गई।